रिसेंटली ही साउथ डोकाटा यूएसए में पूरा आसमान ग्रीन कलर का हो गया। सम पीपल फेल्ट कि है तो अब एलियंस का इन्वेशन है, यानी कि अब तो एलियंस देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके है अरमान। लेकिन यह एलियंस नहीं थे, बल्कि यह कुछ ऐसा ही निकला जिसके बारे में किसी ने भी सीना सोची ना होगी। बस बस ठीक है, ज़्यादा मीम्स नहीं, फालतू का टाइम नहीं अपने पास। वैसे तो है, बट कम ऑन दी टॉपिक नाउ, तो जो तूफान था वो धीरे धीरे एक डेर्चियो यानी कि लॉन्ग लाइन स्ट्रो में तब्दील हो गया। डैमेजेस दी क्रॉप्स, हाउसेस, फेंसेस एंड मच मोर, सेट बाई NWS, नेशनल वेदर सर्विस। वैसे तो आसमान स्काई हमारे यहाँ भी रेड, पिंक, ऑरेंज होता रहता है, लेकिन ग्रीन रंग का कभी नहीं देखा हमारे ख्याल से अपन लोगों ने। ACCU वेदर के माने तो यह सब एटमोसफियर के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जब सन होराइजन को अप्रोच करता है, रेड कलर, लाल रंग जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है बाकी रंगों से, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। बाद में यह रेड ग्लो थंडरस्टॉर्म की लाइटनिंग के साथ मिलकर वाटर ड्रॉपलेट पानी की बूंदों की वजह से ब्लू दिखने लग जाता है, जो कि फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का, जो कि सिमिलर एमरल्ड ग्रीन प्रोड्यूस करता है। बट दिस इज़ ओनली अ थ्योरी, लोगों ने इसे एलियंस के साथ भी जोड़ना चाहा। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी फोटोज़ और वीडियोस काफ़ी ज़्यादा शेयर की। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, कई सारे लोग तो इसे एलियंस से भी जोड़ने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही में नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। तेरी शर्म तेरी कसम, मेरे होठ सिए जाए शाम।